इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सी दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स इटसेल्फ. अफिनिटी में क्या था, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना था. नेगेटिविटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करना है. क्लियर, बोथ थिंग्स आर क्लियर. एक मैं पूरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा हूं और एक ये है, मैं ए हूं, एक बी एटम है, हम दोनों बॉन्डिंग बना रहे हैं, बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं उसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूं. सो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, दोनों काफी रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. चलो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं. It is a tendency of any atom or element to attract bond pair or you can say shared pair of electron towards itself in a covalently bonded atom. Like, let's say we have this AB molecule. In this AB molecule, A and B have, they are sharing electron pair with each other. So A ke electrons tha ek, B ka electrons tha, AB ke beech mein share ho raha tha. But electronegativity of A is more than B, to A apne taraf electron pair ko jyada attract karega in comparison to B. Ye jo electron pair exactly center mein hone chahiye the, they are more close to the न्यूक्लियस ऑफ ए, वो ए की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे. दे आर मोर क्लोज टू ए एज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इज दैट ओके? और यदि B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो B की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, राइट? और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, उसको ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं कुछ इस वे. लुक, जस्ट वो इलेक्ट्रॉन पेयर B की तरफ, सॉरी A की तरफ शिफ्ट हो गए. आज बच्चे कम क्यों ज्वाइन किए, 27 स्टूडेंट्स ही हैं, क्या रीजन है? क्या थोड़ा सा पार्टी मोड में आ जाते हो कि एंजॉयिंग मोड में आ जाते हो, क्या करने आ रहा? नहीं सर, रीजन नहीं पता उसका. अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है, मेरे क्लास में मैंने तो नहीं देखा, ऑलमोस्ट जीरो ऑप्शन देते हैं, कभी कुछ रीजन से गरीब बच्चा रहता है तो रहता है ऑप्शन. हाँ सोनल बोलो. सर
सर मैंने अभी मॉड्यूल्स लिए थे तो उसके अंदर बायोलॉजी के मॉड्यूल नहीं मिले। हाँ तो देखो अभी तुम्हारे मॉड्यूल्स है ना, विनर बैच का जो 10th का मॉड्यूल है वो आया है। हम जैसा मैंने तुम्हें से कम्युनिकेट किया था, तुम्हारा थोड़ा सा जो कोर्स प्लानिंग है वो हमने कस्टमाइज की है नासिक सेंटर के लिए, ठीक है, और उसे फिर फाइनली कोटा से अप्रूवल भी लिया है। तुम्हारा जो भी स्टडी मटेरियल आया है वो रेगुलर विनर बैच का आया है, जिसमें वो क्या करते हैं, पहले 10th के सारे टॉपिक कराते हैं फिर 11th के स्टार्ट करते हैं। हमने ये किया है, 10th के जो टॉपिक रिलेटेड है वो हम ही करा रहे हैं 11th 12th, जैसे ये टॉपिक हो गया। तो इसलिए क्या हुआ है, जो विनर का मॉड्यूल है वो तुम्हें अभी कलेक्ट कर सकते हो, 11th के जो मॉड्यूल्स हैं वो आना बाकी है तुम्हारे। तो 11th के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सबके मॉड्यूल्स में मिलेंगे। हाँ होगा ये, जैसे डेफिनेटली दोनों सेट नहीं आ सकते, इंजीनियरिंग और मेडिकल, कोई भी एक सेट। अभी हमने इंजीनियरिंग के सेट का बोला है कोटा, तुम्हें इंजीनियरिंग का सेट दे दिया जाए। अभी डेफिनेटली इंजीनियरिंग में जो एक्सरसाइज वन है वो बेसिक एक्सरसाइज है, नीट लेवल जेई मेंस लेवल उतना हो गया। एक्सरसाइज टू जो है वो एडवांस लेवल, तो हम अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी तुम्हें तो कराना ही है, इवन तुम नीट में भी रहोगे तो भी फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे लेवल का ही कराना है, क्या, ताकि बहुत स्ट्रांग रहे तुम बच्चे। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं, जो भी बच्चे नीट में, इफ एनीवन इज स्कोरिंग 650 प्लस, ये मान के चलो उसका फिजिक्स केमिस्ट्री आईआईटी लेवल का होता है, तभी वो 650 प्लस स्कोर कर पाता है, 720 सभी वो पॉसिबल होता है। रही बात अब बायोलॉजी की बुकलेट, तुम्हें 11th का भी पूरा पैकेट मिलेगा जो 11th के बच्चों को मिल रहा है। बायोलॉजी के बुकलेट के लिए क्या करेंगे, सेंट्रल लेवल पर यदि यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉपीज होंगी तो तुम्हें दे दी जाएंगी बायो के बुकलेट की, क्योंकि वो पूरा पैकेट आता है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है 11th का। तो पूरा डिस्टर्ब करने के बजाय बायो के एक्सरसाइज की अभी ऐसा जो भी सेशन में यूज आएगी उसकी तुम्हें फोटो कॉपी करवा के दे देंगे, क्लियर, ताकि एक्सरसाइज तुम्हारे पास रहे। और जब 11th में जाओगे तुम, जो भी बच्चे मेडिकल में जाते हैं तुम्हें वापस पूरा बायो का मिल ही जाएगा, जो इंजीनियरिंग में जाते हैं जो ऑलरेडी मिल गया होगा ठीक है, जो नहीं मिलेगा मिला होगा वो वापस 11th 12th में मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हें 11th के कुछ एक्स्ट्रा भी मटेरियल मिलता है, वो अभी नहीं हो रहा है 10th, उसे संभाल के रखना है, वो 11th में यूज आएगा वापस, तो एज इट इज पैकेट को डिस्टर्ब करने की बजाय एज इट इज दे दिया जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो स्टडी मटेरियल को लेकर अगेन डोंट वरी, सब कुछ किया जाएगा, क्या करना है। अच्छा अब ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ क्वेश्चन इज, अब इस टेंडेंसी को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें। सो मैथमेटिकली ये एनर्जी तो है नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड एक और कौन सा टर्म देखा है हमने, एटॉमिक रेडियस, ये सारे वैल्यूज है, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स है, क्लियर, बट दिस इज नॉट वैल्यू। तो अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करें, तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्केल्स डिफाइन की गई, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग वे बताया इसे डिफाइन करने के लिए। टू वेज आर वेल एक्सेप्टेड, पॉलिंग स्केल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मिलिकन स्केल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। या चलो पहले मैं जस्ट स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, कॉपी करो फिर मैं उसे बोर्ड पे एक्सप्लेन भी करता हूँ। सर एक बार आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट रिपीट कर सकते हो, मतलब एक्सप्लेन करना है जो बोर्ड पे लिखा है वो। हाँ सर वो दिक्कत आ गई। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये एटम ए है, मैं एक एग्जांपल ले देता हूँ, H2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो इसलिए है बिकॉज हाइड्रोजन इज शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इज शेयरिंग इट्स वन इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन्स आ गए कोवेलेंट बॉन्ड, दिस हाइड्रोजन शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इज शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन विद दिस हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग बॉन्डिंग बिटवीन देम। सो यहां पर
ये कुछ ऑक्सीजन के खुद के अपने दो इलेक्ट्रॉन्स और दो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन, ऐसे कुछ बॉन्डिंग बनी। एक्सपेक्टेड तो ये था, ये हम ये बोले ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दे हैव सच काइंड ऑफ डील, ओके आई एम गिविंग वन इलेक्ट्रॉन, यू विल गिव योर इलेक्ट्रॉन, वी कीप बोथ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन, मैं भी यूटिलाइज करूंगा तुम भी यूटिलाइज करो दो इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में ये डीलिंग थी, क्लियर। कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब शेयरिंग हो रही थी, बट ऑक्सीजन यहाँ पर इट इज मोर ग्रीडी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को बजाय एग्जैक्टली सेंटर में रहने के अपने तरफ अट्रैक्ट कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से थोड़े से दूर चले जाते हैं। सो दिस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, कितने में इलेक्ट्रॉन के तरफ कितना मेरा अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हुआ, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, एक्सेप्ट ही कर लेना किसी दूसरे एटम से। नेगेटिविटी क्या है, यहां पर जो बॉन्डिंग है उसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करना, एक्सेप्ट नहीं किया। अभी क्लियर है क्या? हां सर। Is it visible properly? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टू स्केल्स तुम्हें यहां से कॉपी करना है, पॉलिंग स्केल फर्स्ट वन, ये लिखा है डेल्टा ए बी 23.06 एक्स ए माइनस एक्स बी होल स्क्वायर, दिस इज रिटन बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी, आर ई बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी, डेल्टा ए बी इक्वल टू ई ए बी माइनस ई ए ए इंटू ई बी बी, ये मुझे एक्सप्लेन करना है एग्जैक्टली है क्या। यू हैव टू कॉपी एवरीथिंग टिल हियर, यहां तक कॉपी करो और उसके बाद रफली चार पांच लाइंस छोड़ देना और फिर मुलिकन स्केल कॉपी कर लो। सर किलो कैलोरी के बाद क्या लिखा है? किलो कैलोरी पर मोल विच इज यूनिट ऑफ ई, ई इज बॉन्ड एनर्जी, जो मैं लिखाऊंगा जो पांच छह लाइन छोड़ने का बोल रहा हूँ ना उसलिए बोल रहा हूँ। सर बॉन्ड आर ई के नीचे क्या लिखा है? बॉन्ड आर ई के नीचे क्या लिखा है? बॉन्ड आर ई के नीचे एक्स, एक्स डेनोट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो कट किया है ना जो जीरो टाइप है ना, दैट इज कट, क्रॉस किया मतलब कुछ भी नहीं है। सो एक्स डेनोट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वो मैं लिखा हूं आप 5-6 लाइन जहां पे छोड़िए, फ्लोरीन का 4। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग, जस्ट कॉपी करो, हाँ कुछ नहीं समझ में आता क्या लिखा है तो वो पूछ लो। और ये भी यहाँ पे भी क्लोरीन एंड नाइट्रोजन ऑलमोस्ट इक्वल लिखा है, सीएल लिखा है, वो सीटी गलती से दिख रहा है, वो इट इज सीएल। बॉन्ड आर ई मतलब क्या है? रेजोनेंस एनर्जी, आर फॉर रेजोनेंस, ई फॉर एनर्जी।
And after leaving like 5-6 line, you can also copy Mulliken's scale. Even Mulliken's scale ka continuation mein you can copy everything. Factors affecting bhi copy kar sakte ho. Trends, but definitely mujhe trends ko detail mein batana padega. Trends wala part chhod do, factors tak copy kar do. सर यस वो मुलिकन स्केल में जो ब्रैकेट में क्या लिखा है ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट सर सेकंड लाइन ईए प्लस आईपी बाय 5.8 ईपी अपॉन 5.6 ऑन पॉलिंग स्केल ओके सर Sir, IP stands for ionization potential. You can also write IE, ionization energy, ionization potential, both are same. IP or IE, कोई भी एक लिख सकते हो. चलो, हो गया copy factors तक. No, sir, just a minute. Factors, electronegativity. Second factor, electronegativity is proportional to Z effective. First factor, inversely proportional to atomic radius. Third one, oxidation state. And fourth is hybridization. Okay. तुमने कुछ चीजें लिखी हैं अभी तक मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है नाउ लिसन इन पॉलिंग स्केल एक्स डिनोट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स है एक्स बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी यहां पे एक्स है कर दिया तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी डेल्टा है बी बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी नो व्हाट डू मीन बाय बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी दैट आई हैव टू एक्सप्लेन नाउ ईए ईएए ईबीबी ईएबी This denotes bond energy, bond strength of AA, BB and AB. Clear? Kis unit mein hai? Kilo calorie per mole. Means how much energy you need to supply if you want to break the bond between AA, that is EA, to break B and B bond, that is EBB. Itna energy hume supply karna pad sakta hai. Jab bhi hum in bonds ko break karne jayenge, hum AA ko A aur alag, A alag. AB mein se A alag, B alag. सेपरेट करने जाएंगे चलो अब थॉट प्रोसेसिंग देखना पॉलिंग स्केल में क्या थॉट प्रोसेसिंग है एग्जैक्टली इन दिस स्केल इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर इफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर हमारे पास ए है हमारे पास बी इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा आ गया मुझे ये बताओ क्या तुम्हें ये पता है आयोनिक बॉन्ड क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है Yes, sir. Ionic bond, complete transfer of charge. Covalent bond, sharing of electron. पता है?
नेचर में ना कोई बॉन्ड परफेक्ट कोवेलेंट होता है, ना ही कोई बॉन्ड परफेक्टली आयोनिक होता है. देयर इज नथिंग लाइक 100% आयोनिक बॉन्ड 100% कोवेलेंट बॉन्ड. देयर इज ऑलवेज समथिंग लाइक परसेंटेज ऑफ आयोनिक बॉन्ड एंड परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. अब आयोनिक बॉन्ड मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ चार्ज. आयोनिक बॉन्ड मींस देयर इज अ द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर स्ट्रॉन्गर विल बी बॉन्ड. यदि हम आयोनिक बॉन्ड की बात करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है जो स्ट्रॉन्गर होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? सो आयोनिक बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड. यहां पर इन दोनों में डीलिंग कुछ ऐसा हुआ था, दे हैव टू शेयर देयर इलेक्ट्रॉन पेयर इन बिटवीन दिस टू एटम्स. बट ए लेट्स ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ए की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है. सो यहाँ पे 100% ए के पास तो नहीं है, बट वी ऑलवेज हैव सम स्मॉल चार्ज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो ए डेल्टा चार्ज मींस एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से थोड़ा सा कम इफेक्टिवली. वी कांट ब्रेक द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट दिस इज द फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. इफेक्टिव चार्ज अपीयर्ड ऑन ए, इफेक्टिव चार्ज अपीयर्ड ऑन बी, जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए, नेगेटिव चार्ज जिसके अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन दूर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, the distance of electron increases, that atom will have del positive charge. क्या ये समझ में आता है ऐसा चार्ज क्यों होगा? सर एक बार रिपीट करो. देखो मैं ए हूं, यहाँ पर एक बी है, दोनों में इलेक्ट्रॉन बीच में शेयर होने थे, बट वो इलेक्ट्रॉन क्या करता हूँ, फर्स्ट केस पूरा का पूरा मैं ले लेता हूँ, मेरा तो इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, मैंने बी का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया. Can we say that in such kind of scenario we have such kind of bonding A minus B minus, और इनके बीच में ionic bond बन जाएगा? कैसा बोल सकते हैं हम? Is that okay? Yes. Yes. Second case. अब बजाय A ने वो electron attract करने के, A और B के बीच में जो electrons थे मतलब पूरा accept करने के बजाय वो A ने अपनी तरफ कुछ attract कर लिए. Still there it is sharing electron with B, but the electron pair is more close to me. यदि वो मेरे ज़्यादा close है तो नेगेटिव चार्ज मेरे पास ज्यादा होगा और बी के पास नेगेटिव चार्ज डिफिशिएंट होगा. थोड़ा 100% ट्रांसफर नहीं हुआ है, आई एम नॉट टेकिंग 100% ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बट यस आई एम अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मी, सो आई विल हैव समवॉट नेगेटिव चार्ज, बी विल हैव समवॉट पॉजिटिव चार्ज. क्लियर? यस सर. चलो अब मुझे बताओ दो केसेस, तीन केसेस ले लेते हैं. पहला केस आयोनिक बॉन्ड A minus B plus. Second case, partial ionic, partial covalent. Third case, completely covalent. सबसे ज्यादा bond strength covalent की होती है, ionic की होती है. किसकी bond strength सबसे ज्यादा होगी? Ionic. Ionic. उसे कहा? Covalent. हम ये बोल सकते हैं जितना ज्यादा separation of charge होगा उतना ज्यादा bond strength बढ़ जाएगा. हाँ सर. जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा. यस सर. यस सर. अब देखो हमने क्या किया यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी AA, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ AB ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी फॉर AB. उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होगी. तो ये एक एनर्जी हो गया. दो एनर्जी ये हो गए, ए के बीच का बोन, बीबी के बीच का बोन एनर्जी. इन दोनों का हमने ज्योमेट्रिकल मीन ले लिया है. ज्योमेट्रिकल मीन होता है दोनों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेना. एक होता है अर्थमेटिक मीन, दोनों का एडिशन करके बाय टू करना. एक होता है ज्योमेट्रिकल मीन. क्लियर? तो ए बीबी का बोन एनर्जी का हमने ज्योमेट्रिकल मीन लिया, तो इन दोनों का ज्योमेट्रिकल मीन और उनका जब आपस में बोन बने तब बोन एनर्जी. कैन वी से दैट ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर विल बी दिस डिफरेंस ऑल्सो. समझो फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं. जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, उतना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा एबी में और इनिशियल जो ए और बीबी प्रेजेंट. सो ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी डिफरेंस ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. इसको हमने डिफाइन कर दिया था बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी. क्लियर? और बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था. This bond resonance energy is also proportional to 23.06 difference in electron negativity or greater the separation of charge, greater the difference in electron negativity,
ग्रेटर द डिफरेंस इन बोन एनर्जी, जितना ज्यादा सेपरेशन होगा चार्ज का ये बोन एनर्जी उतना ही बढ़ता चला जाएगा. तो इसमें ज्यादा डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस. सर पर अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो फिर उसका पार्शियल कोवेलेंट नेचर है वो कम होते जाएगा ना. ये वर्ड बोलिए पार्शियल आयोनिक नेचर बढ़ता चला जाएगा, राइट? और पार्शियल आयोनिक नेचर बढ़ रहा है, आयोनिक बॉन्ड बढ़ रहा है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है. तो ये वाला ये नया बॉन्ड बन रहा है ना एबी के बीच में, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा हो रहा है. हाँ सर अभी क्लियर है? यस सर. चलो ये फॉर्मूला हमने देखा. यहां पर अब क्वेश्चन आता है, हमें तो किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता है, तो अब पॉलिंग ने क्या किया, पूरे एलिमेंट्स में पीरियोडिक टेबल में द सब्सटेंस व्हिच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज फ्लोरीन, वो फ्लोरीन था. और ये असम्पशन ले लिया गया फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर फ्लोरीन इज 4.0. यहां पर फ्लोरीन का हमने 4.0 रखा और बी का निकाल दिया. अब बी के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एग्जांपल हम लेते हैं एच एफ, ठीक है? एच एफ ले लिया तुमने, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर एजम्पशन है 4 रखो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करना है, एच एफ का बोन एनर्जी यहाँ पे रखो, एच टू का यहाँ पे रखो, एफ टू का यहाँ पे रखो, इसको सोल्व कर लो और एक्स थ्री के लिए सोल्व कर लो, तुम्हारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गया. ऐसे हर एक एटम जो एलिमेंट जो एग्जिस्ट कर रहे थे पीरियोडिक टेबल में सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर लिया. हाइड्रोजन आ गया H2O पे आ जाओ, हाइड्रोजन का तुम्हें पता है ऑक्सीजन का निकालना है, यहाँ पे ये बॉन्ड आएगा OH, H2O, सॉल्व कर लिया. समझ पा रहे हो कैसे पूरे पीरियोडिक टेबल का बॉन्ड हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट किया होगा. एक एजम्पशन ले लिया जो हाईएस्ट था, हाईएस्ट 4.0, और फिर सबको कैलकुलेट कर लिया उसके. चेक करो अभी जो तुमने पॉलिंग स्केल में लिखा है सब कुछ समझ में आ रहा है. Is there any doubt? जो values लिखे ना fluorine, oxygen, chlorine, nitrogen, वो values याद रखने 4, 3.5, 3, 2.8. अब आते हैं Mulliken's scale पर. Fluorine is the most electronegative element which exists in nature. Second highest electronegativity will be there for oxygen. अब यहाँ पे वो exception create नहीं हो रहा है जो last में हुआ था कि वो attract कर, because they are not accepting electron, तो उनका size matter ही नहीं करता है, वो तो electron को attract करना है उन्हें. So clear? Mulliken's scale, ionization energy plus electron affinity by 2. इसका units electron volt में लिया जाएगा बस. ये हमें ध्यान रखना है, मतलब ये इनका यूनिट्स बहुत सारे पॉसिबल यूनिट हो सकते हैं. जैसे इसमें किलो कैलोरी पर मोल कंसीडर किया गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंसीडर किया गया है. अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे होगा समझ, बहुत सिंपल सा लॉजिक सोचा मिलिकन्स ने, बहुत ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, क्लियर? मतलब अपने पास इलेक्ट्रॉन को लाने की, अपने पास इलेक्ट्रॉन को. Greater the ionization energy, lesser the tendency to lose electron. Means that atom has more attraction towards electron from the nucleus. Mera ionization energy ज़्यादा, मतलब मैं electron को donate करने की tendency कम रखूँगा, electron को अपने nucleus की तरफ ज़्यादा attract करूँगा. क्या इतना समझ में आता है? Yes sir. आप एक बार फिर से repeat कर सकते हैं? देखो मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी टेंडेंसी नॉट टू लूज इलेक्ट्रॉन, मींस टेंडेंसी टू कीप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इट वी हैव मोर अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन. आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना मतलब मैं इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करूंगा, क्यों डोनेट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्टेड होगा. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो मैं इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरे इलेक्ट्रॉन की तरफ ज्यादा अफिनिटी,
ज्यादा अट्रैक्शन है, नहीं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पता है आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोथ, इफ देयर मैग्नीट्यूड इज मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज मोर, तो दोनों के ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिनोट करते हैं। इज दैट ओके नाउ? यस सर। सर उसमें 5.6 कहाँ से है? वो उस पे आता हूँ मैं, वो अलग चीज है। तो यहाँ पे दोनों का एवरेज वैल्यू ले लिया। अब क्वेश्चन आता है, क्या सर पॉलिंग स्केल और मुलिकन्स स्केल पे सेम मैग्नीट्यूड आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? नहीं। क्या टेम्परेचर में केल्विन और टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस सेम होता है? नहीं होता, अलग होता है। फारेनहाइट अलग होता है। तो अलग अलग स्केल में अलग अलग वैल्यू आएगा डेफिनेटली। अब पता है जब मुलिकन्स और पॉलिंग ने ये दोनों अपना स्केल डिफाइन कर दिया, फिर एक और हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस किया गया। इसका एनालिसिस करके ये पता किया गया आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बाय 5.6 करेंगे तो ये जो वैल्यू आता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पॉलिंग से आता है वो दोनों मैच कर रहे हैं बाय चांस, क्योंकि लॉजिक तो दोनों ही सही, कहीं ना कहीं तो वो डिफरेंस हो सकता है बट बेसिक लॉजिक यदि सेम है दोनों का वैल्यू कहीं ना कहीं पे मैच कर सकते हैं। तो जब तुम आई प्लस ईए 5.6 करोगे तो वैल्यू मैच करेंगे, जैसे टेम्परेचर इन केल्विन डिग्री सेल्सियस दोनों वैल्यू मैच करेंगे यदि तुम इसमें 270 क्रिएट कर दोगे, बोथ स्केल्स आर करेक्टली डिफाइंड, कहीं ना कहीं तो मैच करना ही ऐसा हुआ है। तो व्हेन यू टेक आई प्लस ईए बाय 5.6 यू विल गेट एग्जैक्ट दैट वैल्यू व्हिच वी आर गेटिंग फ्रॉम द पॉलिंग स्केल। यदि क्वेश्चन ऐसा आता है पॉलिंग अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज दिस, आंसर इज नॉट करेक्ट। पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग ये नहीं, पॉलिंग ने ऐसा डिफाइन नहीं किया था। मैग्नीट्यूड वाइज दिस इज सेम एज पॉलिंग वन। अभी क्लियर है वो पॉइंट? बोलो जल्दी, क्लियर है अभी? किलो कैलोरी पर मोल होगा? नहीं, यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होगा। क्लियर? यस सर। सर लेकिन जो पॉलिंग स्केल में वैल्यू आ रही थी वो तो नहीं थी ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर वैल्यू आ जाएगी तो फिर वो तो अलग हो जाएगा। बेसिकली पॉलिंग ने अपना एक मेथड सजेस्ट किया, उसमें क्लोरीन को 4.0 एडजूम करके सबका कैलकुलेशन किया। तुम यदि इस वैल्यू से भी कैलकुलेट करोगे ना क्लोरीन से लेके किसी के लिए भी तो वो भी उतना ही आएगा जो पॉलिंग ने सजेस्ट किया। अभी क्लियर? यस। चलो इसके बाद था फैक्टर्स अफेक्टिंग। आई डोंट थिंक कि मुझे पहले दो फैक्टर बहुत ज्यादा डिटेल में डिफाइन करने, ज्यादा जेड इफेक्टिव, ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकेंड फैक्टर एटॉमिक रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियस से शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस उतना ज्यादा, यदि उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी लेस। क्लियर? यहां पर मेरा एटॉमिक रेडियस ज्यादा है मतलब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज्यादा और जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उससे भी आगे, greater the atomic radius, greater the distance of shared electron from the nucleus, और nucleus ही तो उसे attract करता है, और यदि वो distance ज़्यादा हो गया तो attraction कम, electronegativity कम, is that okay? Second point? Yes sir. Namisha, clear? Mugdha, Manoli? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Siddhi. Both Siddhi yes. are present? Yes, sir. Siddhi, Suryavanshi, तुम्हें अब समझ में आ रहा है सब कुछ? तुम starting में health issue के कारण कुछ lecture miss किए थे शायद, अभी clear है सब? Yes, sir. Yes. और एक और कौन बच्चा था जिसने? Krish. Krish is there or not? Krish?
फिनिश आंसर ही नहीं देता है, कभी क्या करता है। ओके ठीक है, इसके बाद थर्ड था ऑक्सीडेशन स्टेट, बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन प्लस सेवन क्लोरीन प्लस फाइव, क्या लगता है प्लस सेवन वाला इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या प्लस फाइव वाला ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? प्लस फाइव। प्लस सेवन। जिस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, राइट? सो दोनों ही क्लोरीन है, बट क्लोरीन इन HClO4 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन इन HClO4 व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन chlorine in HClO2, clear? So higher the positive oxidation state, greater will be electron negativity. लिख लेना है third point. Hybridization, more S character means more closeness to the nucleus, there is more attraction and more electronegativity. अब ये चीजें थोड़ा सा जब हम केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पे जाएंगे तब और ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। sp hybridization sp2 sp3, इसका मीनिंग ये होता है 1s and 1p are mixing with each other,
one s and two p are mixing with each other, one s and three p are mixing with each other. So 3p, 1s, 25% s, 33% s, 50% s. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी sp. बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रेज हो सकते हैं, सर व्हाट इज दिस हाइब्रिडाइजेशन, क्या मतलब है, ये सब कुछ बाद में पता लगेगा, अभी के लिए इतना रफ आइडिया हमें रखना. क्लियर? सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? सिर्फ इतना ध्यान रखो, अभी तुम कुछ भी मत दिमाग लगाओ क्योंकि मैं नहीं बता पाऊंगा जब तक हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझाऊंगा. अभी के लिए ध्यान रखो, एक एस एक पी तो 50% एस, एक एस दो पी 33% एस, एक एस तीन पी 25% एस. सो इट मीन्स मोर एस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट्स इट. क्यों ऐसा होता है, क्या रीजन है, वो सब कुछ बॉन्डिंग में ही पता लगेगा. थोड़ा सा अभी के लिए इसको इतना यहीं तक याद रख के छोड़. क्लियर? Yes. सर में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है क्या अभी? स्टडी मटेरियल अभी मत लेने आओ क्योंकि तुम्हारा कुछ पार्ट अवेलेबल है, कुछ नहीं. कुछ मींस जो 10 से रिलेटेड है वो अवेलेबल है, जो 11 से रिलेटेड है वो भी आना बाकी है, और मे बी कुछ शायद विद इन अ वीक वो रिसीव हो जाए. कोटा से शायद निकल भी चुका है कोरियर से, तो तुम्हें मैं क्लास में बताऊंगा कब तुम्हें कलेक्ट करने जाना, क्योंकि तुम एक बार जाओगे सारा एक साथ ही कर लेना कलेक्ट, वो कोई मतलब नहीं ना. फिर अभी आधा करो, फिर वापस जाओ, फिर करो. तो वेट फॉर अ वीक ओनली, मैं तुम्हें क्लास में बता दूंगा. सर जो हाइब्रिडाइजेशन और पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन रहेंगे तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब तो हमें आता ही नहीं होंगे उतने, और जितना ये मैंने लिखा है ना उतने होंगे, उतना इनफ है, मतलब उस पे हो जाएंगे. हाइब्रिडाइजेशन इस चैप्टर का नहीं, वो थोड़ा सा एप्लीकेशन इसने बता दिया है, मतलब पीरियोडिक देन बॉन्डिंग ऑर्डर ये रहता है. सो डोंट वरी अबाउट दैट, तो कहीं कुछ एक दो क्वेश्चन से आएंगे जब डिस्कस करेंगे तो पता लगेगा. On moving left to right, size decreases, Z effective increases, hence electronegativity increases. सर noble gas को छोड़ देते हैं, वो तो bonding में involved भी नहीं होते, तो bond pair quartet क्या करेंगे?
लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन इस ऑर्डर में बढ़ेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन. यहाँ पे स्पेशल कॉन्फिगरेशन कुछ काम ही नहीं आएगा. वी आर नॉट चेंजिंग कॉन्फिगरेशन. हम इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे या इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव भी नहीं कर रहे हैं. वो सिर्फ अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. सो नो एक्सेप्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्फिगरेशन. नो एक्सेप्शन विद रिस्पेक्ट टू configuration. On moving down the group, atomic size increases, hence electronegativity decreases. General, कुछ exception आएंगे definitely. पूरे periodic table में cesium का minimum electronegativity, fluorine का maximum electronegativity amongst non-radioactive elements. Radioactive elements में जाओगे तो फिर cesium के नीचे भी कुछ आता है उसका ज्यादा होता है. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. चले हम एप्लीकेशन पर. एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. मैं लेक्चर आज थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा. वैसे भी तुम्हारा मैथ्स का लेक्चर नहीं है क्योंकि मुझे वैसे तो चैप्टर थ्योरी तो कंप्लीट हो ही गया एप्लीकेशन के बाद, बट डाउट्स वगैरह भी मुझे डिस्कस करना है, कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराने. मे बी 15, 20, 30 मिनट्स एक्सटेंड हो सकता है. First one to find partial ionic character. जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर, उतना ज्यादा चार्ज का सेपरेशन. 16 टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स स्क्वायर इस परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर. इसमें यदि तुम डेल्टा एक्स 2.1 लोगे देन परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर में परसेंटेज लोगे परसेंटेज विल बी 50%. और 2.1 एक बाउंड्री आ गई. 2.1 से ज्यादा तो आयोनिक बॉन्ड बोल देंगे, 2.1 से कम तो हम कोवेलेंट बॉन्ड बोल देंगे. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमें ये हेल्पफुल हेल्प करता है हमें ये पता करने में कि उसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा. ग्रेटर द डिफरेंस इन ई एंड ग्रेटर विल बी परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर.
ओके बोर्ड पे देखो फिर कॉपी करना. बोन स्ट्रेंथ ऑलरेडी काफी डिटेल में पॉलिंग स्केल में बताया गया है. ग्रेटर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर द बोन स्ट्रेंथ. थर्ड वन टू रिलेट बोन एंगल. चलो पहले एग्जांपल देखना. ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन टू क्लोरीन. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास लेके चले जाते हैं. ऑक्सीजन क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के पास लेकर चले जाते हैं. क्या यहाँ पर ऑक्सीजन के क्लोज इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो दोनों पेयर ज्यादा क्लोज होंगे. कैन बी से दैट हियर द रिपल्शन इज मोर ड्यू टू लेस डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन. बोल सकते हैं ऐसा हम. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में डिस्टेंस कम हो गया है तो ज्यादा रिपल्शन होगा और ज्यादा रिपल्शन होगा तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो इसके कंपेरिजन में ज्यादा हो जाएगा. सिंपल सा लॉजिक है. ये सेंटर पे ऑक्सीजन है. एक कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्टेंस पर है ऑक्सीजन से क्लोरीन के केस में. उनके बीच में रिपल्शन कम तो थोड़े क्लोज भी आ सकते हैं. जब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन इज क्लोज टू ऑक्सीजन तो जो बॉन्ड एंगल कम था वो रिपल्शन के कारण बढ़ जाएगा. लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा ज्यादा बॉन्ड एंगल. यहाँ पे लोन पेयर के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो रिपल्शन कम कम बॉन्ड एंगल. इज दैट ओके. बॉन्ड एंगल मींस ये जो बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है उसके बीच का एंगल. This is called bond angle. Clear? Yes, sir. पर नहीं आया समझ. बताता हूँ. Copy कर लो एक बार. तुम्हारी क्लास में सोहम करके कोई बच्चा है. तो हमें कोई स्टूडेंट तुम्हारे क्लास में. यस सर. बोलो. चलो इस पॉइंट को ऐसे समझो. इफ नेगेटिव चार्ज इज मोर क्लोज दे आर मोर रिपल्शन. If the distance between negative negative charges more, the repulsion is less. A case. Oxygen is more electronegative. So, ye electron pair pass mein aa gaya. Itna distance. Oxygen ki pass chale gaye. Second case. Electron is more close to fluorine. तो यहां पर इतना डिस्टेंस. कहां पर डिस्टेंस कम दिख रहा है. इन विच केस डिस्टेंस इज लेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन नेगेटिव नेगेटिव चार्ज. फर्स्ट. कैन यू से दैट हियर द रिपल्शन इज मोर. नाउ इफ द रिपल्शन इज मोर कैन यू फील दैट इफ द रिपल्शन इज मोर इनिशियल दिस सिचुएशन इफ रिपल्शन इज मोर वी हैव सच काइंड ऑफ सिचुएशन. Yes, sir. And if the repulsion is less, then they can come more close to each other. This angle is less, repulsion is more, angle is more. Abhi theek hai? Haan, sir. ओके सो एक बार का चैप्टर कंप्लीट हो गया है. सिर्फ एक नेचर ऑफ ऑक्साइड पे बेस्ड एक पेज का मैं पिक्चर सेंड करूंगा वो तुम कॉपी कर लेना.
हालांकि वो ऑलरेडी कवर हुआ है एसिडिक नेचर बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। अच्छा पहले तो डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क दिया है, शायद लास्ट टाइम भी डिस्कस नहीं हुआ था मुझे सर ध्यान है। होमवर्क दिया गया ना? यस सर। ओके मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। यू कैन टाइप योर डाउट्स इन चैट बॉक्स। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर मेंशन करके टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में। सिर्फ दो बच्चों के डाउट आए, प्रणम एंड सिद्धि। सॉल्व किया है ना तुम लोगों ने? कितने बच्चों ने सॉल्व किया है जितना होमवर्क दिया था? प्लीज रेज योर हैंड। जितने ही बच्चों ने कंप्लीट होमवर्क किया वो हैंड रेज करो। एक्सरसाइज टू बाकी में। थर्टी वन में से नाइन स्टूडेंट, सिर्फ इतने ही बच्चों ने होमवर्क किया है। क्या कर रहे हो बच्चे लोग? कोशिश की क्यों नहीं किया होमवर्क? सर मैं को मतलब वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा था मेरा, तो असाइनमेंट वाला मैसेज करना चाहिए ना मुझे, मैं वापस से सेंड कर देता हूँ। मानस मंदार मनोली क्यों नहीं किया होमवर्क? सर पूरा नहीं हुआ थोड़ा सा बाकी। वेदांत उर्वी यस होमवर्क क्यों नहीं किया है? करो यार होमवर्क, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना ज्यादा होमवर्क नहीं था, मतलब करने लायक था। क्या कर रहे हो तुम लोग? ऑलरेडी वी हैड टेकन लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस चैप्टर, मोर देन अ मंथ, एक महीने से भी ज्यादा हुआ है, तो उतना कर लेना चाहिए था अब तक। ठीक है, कुछ बच्चों के डाउट्स आए मैं वो डिस्कस करता हूँ। प्रणव का डाउट है एक्सरसाइज वन पार्ट टू क्वेश्चन नंबर F4। यही डाउट है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फॉर फोर एलिमेंट्स प्रणव? यस सर।
electronic configuration of four elements A, B, C, D are given below. Which of the following is the correct order of increasing tendency to gain electron? Means they are talking about electron affinity. ये तो definitive first configuration 2p6 दिख रहा है, ये noble gas configuration है, least tendency होगी 1 की, तो या तो answer A होगा या B होगा, क्लियर? अब आते हैं next पर, 2p4, 3s1, 2p5, so 2p5 मतलब halogens, they have maximum tendency, so fourth की maximum tendency दोनों ही option में दे रखा है, क्लियर? अब आते हैं हम 2p4 and 3s1 configuration. 2p4 configuration मतलब ये oxygen है, तो oxygen की भी electron affinity काफी ज़्यादा होती है, clear? 3s1 मतलब metals, alkali metals, sodium, तो sodium से ज़्यादा oxygen की होगी electron affinity, hence A option is correct. Is that okay? पर third वाला half field है, तो फिर इसकी भी कमी होगी ना? Third वाला half field कहाँ है? वो हाफ फील्ड काउंट नहीं होगा, NS2, NS2, NP3, NS2, NP6 ये तीन काउंट होते हैं बस. यस सर, वो समझिए. चलो इसके बाद था फिर सिद्धि का डाउट एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 15, वही डाउट चैतन्य का भी था. Question: the electron gain enthalpy of a hypothetical element is this. How much energy in kilocalorie is released when 10 gram of A are completely converted to A minus ion in gaseous state? Okay, हमें kilocalorie दे रखा है. अच्छा, kilocalorie में निकालना है, 3 electron volt दे रखा है. 10 gram means how many moles? 10 by 30, 1 by 3 moles दे रखा है, see, 1 by 3 moles, and its electron gain enthalpy is given 3 electron volt, हम magnitude, minus मतलब release हो रही है, so for one atom, 3 electron volt energy is released, clear, electron volt per atom to kilocalorie per mole conversion is also given 23, can be say that 3 electron volt per atom means 3 into 23 kilocalorie per mole. Siddhi, itna samajh mein aa raha hai? Yes, sir. So, for electron affinity in kilocalorie per mole will be 3 into 23. Yeh toh ho gaya per mole, 1 mole ke liye. Humare paas kitne moles hain? 10 gram, 10 by 30 moles, 1 by 3 moles. So, number of moles into energy released for 1 mole. This is the final answer. So, iska answer hoga 15 ka 23. Clear? Hai? Yes, sir. Iske baad doubt tha part 2 ka Namisha ka question number 14. Exercise 2, part 2, question number 14. A minus se A2 plus का दे रखा है, A से A2 plus का दे रखा है. Electron gain enthalpy of A is this. देखो, इस question में, 14 question में, first A minus से तुम क्या करोगे? A पर जाओगे. Then A से A2 plus पर जाओगे. उसे दो part में break कर लिया. क्या हमें 14 question में A से A2 plus का energy दे रखा है? 1200, Namisha? Yes, sir. अब ये 1200 दे रखा है. Total हमें दे रखा है 1100. From here to here, this is 1100. क्या लगता है? ये 1200, ये 1100, तो ये वाला energy कितना रहा होगा? कितना रहा होगा Namisha? Minus 100 रहा होगा क्या? Yes, sir. Minus 100 plus 1200, तभी तो वो addition आएगा. Conservation of energy. A minus से A2 plus जाएं, या फिर A minus से A से A2 plus. Energy remains same. Yeah, so energy will not change. यहाँ पे energy same ही रहेगा. Yes, sir.
ओके चलो कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं अभी. होमवर्क कहां तक दिया था वैसे? एक्सरसाइज टू पार्ट टू का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब क्या एक्सरसाइज थ्री से होमवर्क दिया पहले? एक्सरसाइज थ्री से होमवर्क दिया गया है? नहीं सर कुछ भी नहीं दिया पार्ट वन पार्ट टू से? नो सर. अच्छा ठीक है एक काम करते हैं हम एक्सरसाइज थ्री पार्ट वन प्रीवियस ईयर जे एडवांस क्वेश्चंस वो करते हैं अभी राइट. यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दिस क्वेश्चंस राइट नाउ. एक्सरसाइज थ्री पार्ट वन 1 to 11 क्वेश्चन और होमवर्क में कंप्लीट बुकलेट है. एक्सरसाइज वन कंप्लीट देन एक्सरसाइज टू कंप्लीट देन एक्सरसाइज थ्री कंप्लीट ये होमवर्क में नेक्स्ट लेक्चर तक करना है. अगेन इसके बाद प्लानर के अकॉर्डिंग तुम्हारा जो चैप्टर है वो इक्वेशन एंड इनइक्वेशन है. अभी शायद नेक्स्ट वीक तो मैं क्लास लूंगा क्योंकि मुझे इसका डिस्कशन करना है और कुछ क्वेश्चन में इसके एनटीएससी के कराऊंगा. क्लियर? एनटीएससी लेवल के कुछ क्वेश्चन करा दूंगा और उसके बाद फिर इक्वेशन एंड इनइक्वेशन है जो प्योरली 10th का चैप्टर है. नथिंग इज मच रिलेटेड टू 11th. कुछ बेसिक चीजें हैं उसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है. सो श्वेता मैम विल टेक दैट चैप्टर. क्लियर? सिंपल सा चैप्टर है अटेंड करना है सभी को कंपलसरी. और वो प्रॉपरली मतलब जैसे 10th लेवल का तो कराएंगे ही सही और वो जब तुम्हारा थोड़ा सा बेसिक क्लियर होगा उसका तो 11th में बहुत सारी चीजें उससे रिलेट होती. Is that okay? बोलो yes no. Yes sir. Yes sir. And if you get answer, you can type in chat box 1 to 6.
First answer is B. The second ionization energy of magnesium is greater than second ionization energy of sodium. No. Sodium का second ion electron तब remove करेंगे जब वो already noble gas configuration achieve करेगा. Second ionization energy defined when Na plus convert into Na2 plus. और Na plus already noble gas configuration है. It has very very high ionization energy. So B statement is not correct for the first question. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किसी को डाउट तो क्लियर करते चले जाना ना, पूछ लेना मतलब उसी टाइम. सेकंड, अरेंज द आयंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज. चलो साइज के ऑर्डर में जमा देते हैं इन्हें हम. देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा हाँ कंफ्यूजन ये क्रिएट हो सकता है Li प्लस को लेकर. एक्चुअली Li प्लस लिथियम इसमें एक ही शेल है 1s2, बट पता है जो मैग्नीशियम 2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस होते हैं ना, उनका साइज बेसिकली बिकॉज ऑफ हायर पॉजिटिव चार्ज देयर साइज इज क्वाइट लार्ज. सो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक ही होता है, मतलब मेमोराइज करने वाला ही केस है. यहाँ पर सबसे ज्यादा साइज होगा K प्लस का. K प्लस के बाद होता है K प्लस, तो चलो एक्सपेक्टेड था, कुछ सोचना ही नहीं. मैं भी सभी को अरेंज करता हूँ एक्सेप्ट लिथियम. तो K प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, ये एक्सपेक्टेड था. और लिथियम का सबसे कम होना चाहिए, बट द साइज ऑफ लिथियम इज मोर देन दिस Mg एंड एल्यूमिनियम, उनसे ज्यादा साइज होता है. इसको हम थोड़ा सा और इस ब्लॉक में भी देखेंगे आगे कि ये एक्सेप्शन क्यों है, क्या रीजन है. बट यहाँ पे पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करता है. थर्ड का आंसर है इनर्ट पेरिफेक्ट. ऑलरेडी काफी डिटेल में हमने देखा है. क्या थर्ड में किसी को डाउट है? फिर फोर्थ फिफ्थ तो काफी इजी है. फोर्थ का आंसर है आयोनिक रेडियाई. के प्लस का, एक मिनट, आयोनिक रेडियाई हमें बताना है. अच्छा फोर्थ क्वेश्चन पहले. इफ atoms has a less electronegative affinity than fluorine atom. Fluorine atom has less electronegative electron affinity. हाँ ठीक है, fluorine का electron affinity कम है chlorine से. A is correct. Reason, additional electron are repelled more effectively by 3p electron in fluorine atom than by 2p. यहाँ पर reason just opposite दे रखा है, बोल रखा है फ्लोरीन में ज्यादा रिपल्शन होगा, जबकि होना अपोजिट चाहिए, फ्लोरीन में ज्यादा रिपल्शन होना चाहिए. तो फोर्थ क्वेश्चन में असर्शन तो करेक्ट है, बट रीजन जस्ट अपोजिट दे दिया है, रीजन इज नॉट करेक्ट. फिफ्थ, थ्री पॉजिटिव का फाइव पॉजिटिव से साइज ज्यादा. अब इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है क्लोरीन इन दोनों का तो सेम ही होगा, आइसोटोप पे साइज सच मैटर नहीं करता है क्योंकि प्रोटॉन सभी भी सेम ही है. सिक्स का, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज. सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई विल बी दिस डी ऑप्शन. चेक करो, तुम्हें जो डाउट लगता है वो पूछो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. फर्स्ट सिक्स क्वेश्चन, एनी डाउट इन दिस फर्स्ट सिक्स क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू में Li प्लस एक्सेप्शन है. वो एक्सेप्शन थोड़ा सा डिटेल में अगेन आएगा आगे भी इस ब्लॉक में. अदरवाइज ये यदि हम तीनों की बात करें, बचे हुए तीनों की, पोटेशियम बेसिकली पोटेशियम के प्लस का कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन. सो इसमें तीन शेल है 1s 2s 3s 3s 3p6 फाइनल कॉन्फ़िगरेशन. Mg2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, Al3 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इनका साइज तो के प्लस से छोटा होना ही है, के प्लस सबसे बड़ा, क्लियर. उसके बाद Mg2 प्लस Al3 प्लस दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जिस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज कम होगा, ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज लेसर द साइज.
ये ऑर्डर समझ में आता है हमें? इज दैट ओके? यस सर। अब लेक्चर नोट्स में अभी के लिए इतना लिख लो, Li plus size is greater than Mg2 plus and Al3 plus. Li plus यहाँ पे आता है exception है, इस exception का reasoning सब कुछ आगे explain की जाएगी। ठीक है अभी? Any other doubt? प्राप्ति, पार्थ, प्रथमेश? No sir, no doubt. ठीक है। चलो होमवर्क कंप्लीट, बुकलेट एक्सरसाइज वन, एक्सरसाइज टू, एक्सरसाइज थ्री, होप नेक्स्ट टाइम तक कर लोगे क्योंकि मेरा एक ही लेक्चर होगा शायद, उसमें हमें डिस्कशन करना ही है। ठीक है, और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस में भी पॉसिबल इसके एनटीएससी के कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, एनटीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद इक्वेशन एंड इक्वेशन दैट विल बी टेकन केयर बाय श्वेता मैम, सभी को अटेंड करना कंपलसरी है वो लेक्चर्स। ठीक है, आई एम एंडिंग द सेशन नाउ।